अनिल त्रिगुनाथ सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या यह समझा जाए यहां पर कि भारत के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है जो उनके नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आने वाले हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिकॉज टोनी ब्लिंकन ने ये सारी बातें कही हैं, उनका एक इंटरव्यू भी था उससे पहले का, पढ़े तो और भी पता लगेगा। दूसरी चीज़ अगर आप ये देखें तो ये सबसे पुराने और विश्वस्त प्रेसिडेंट बाइडन के सलाहकार रहे हैं उनके एनएसए के तौर पर एज वाइस प्रेसिडेंट, और जो भी ये बातें बोल रहे हैं ये बिल्कुल पूरी तरह से सही हैं एकदम से। और मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि भारत का स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी मैटर्स में अमेरिका और भारत का जो साथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बढ़ता रहेगा आगे, तो दोनों भी बाईपार्टीजन सपोर्ट है इंडिया के लिए इस चीज़ में जी। और वो सबसे चाइना को वो अभी भी थ्रेट समझते हैं, कॉम्पिटिशन समझते हैं, तो भले ही वो चाहे ट्रंप की तरह एकदम से एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ना जाएं, लेकिन वो एक प्रेशर मेंटेन करते रहेंगे और भारत को उसमें सपोर्ट रहेगा। दूसरी चीज़ इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, सारा क्रेडिट अभी दे देते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ये स्टार्ट तो ओबामा के टाइम पे ही हुआ था और उसमें बाइडन की बड़ी काफ़ी भूमिका रही है, बिल्कुल ठीक है, चाहे वो इंडो पैसिफिक न्यूक्लियर कोऑपरेशन प्रोग्राम, तो हमें इसमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, हमारे लिए अच्छा है।